हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की। बेसिकली आप सभी मेंबरों में से भी एक सर मिस्टर सिंह सर का कमेंट आ रहा था मुझे काफ़ी टाइम से। वो पूछ रहे थे कि एग्जामिनेशन सिटी कैसे चेंजेस करनी है, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग में मैं सारी डिटेल बताने वाला हूँ। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वारीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ ताकि जो स्टूडेंटों की क्वारीज है वो रिजॉल्व हो सके। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हमें स्टडी सेंटर चेंजेस करने हैं, क्या क्या डिटेल्स हमें वहाँ पे एंटर करना होता है, सारी डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन सिटी चेंजेस करने के लिए, स्टडी सेंटर चेंजेस करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे UOU ऑनलाइन एडमिशन सर्च करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे सिंपली UOU ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट पे यहाँ पे आपको काफी सारे टैब्स मिल जाएंगे। हमें फिफ्थ लास्ट वन स्टूडेंट कॉर्नर पे जाना है। स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप में एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको online.uu.ac.in की स्टूडेंट कॉर्नर की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे यहाँ पे आपको टैब्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस रीप्रिंट का, स्टडी सेंटर चेंजेस का, आईडी कार्ड प्रिंट का, अप्लाई फॉर एनओसी एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट का, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चेंजेस का, एग्जामिनेशन सिटी चेंजेस, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट एंड डाउनलोड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और एनओसी का। सो सबसे पहले हमें जैसे क्वारीज थी कि हमें अपने स्टडी सेंटर चेंजेस करने, हमें यहाँ पे स्टडी सेंटर चेंजेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट यहाँ पे ईयर या सेमेस्टर आपका जो भी एनुअल प्रोग्राम है या सेमेस्टर प्रोग्राम्स है आपको यहाँ से सर्च करना है, सेलेक्ट करना है। सर्च करने के बाद आपको इस टाइप में आपकी न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और प्रोग्राम्स की सारी डिटेल आ जाएंगी। आपको यहाँ पे सिंपली व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिखा आ रहा है व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे बेसिक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपकी जो करंट स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर इंफॉर्मेशन करंट में आपको यहाँ पे करंट की स्टडी सेंटर की डिटेल्स मिल जाएगी। और यहाँ पे आपके जो स्टडी सेंटर इंफॉर्मेशन न्यू, यहाँ पे आपको रीजनल स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है। जो आप नया स्टडी सेंटर आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं जहाँ पे आपका रीजनल सेंटर है, और यहाँ से आप अपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी रीजन में पड़ता है तो आपको यहाँ पे वो सेंटर, एग्जाम्पल देहरादून में पड़ता है या रुड़की में पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है, हल्द्वानी में पड़ता है, तो वहाँ से आपको वो रीजनल सेंटर चूज करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अपना स्टडी सेंटर चूज करना है। और यहाँ पे टिक आ रहा है आई विल कलेक्ट अबव इश्यू बुक फ्रॉम माई ओल्ड स्टडी सेंटर, यहाँ पे क्लिक करना है और गेट ओ टी पी पे क्लिक करना है और OTP वेरीफाई कराना है अपने फोन से। आफ्टर दैट सबमिट कर देना है। सो गाइज, आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और एग्जामिनेशन सिटी चेंजेस करने के लिए भी सिंपल प्रोसेसिंग है। सिंपल आपको online.uu.ac.in एक्सेस करना है। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन सिटी चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। फॉर एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन या मेन एग्जामिनेशन है या इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है, जो भी आपका एग्जामिनेशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम्स, जो भी आपका प्रोग्राम है अभी करंटली में चल रहा है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेमेस्टर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और फ्रॉम एग्जामिनेशन सिटी में आपका वो एग्जामिनेशन सिटी आएगा जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपना एग्जामिनेशन सिटी चूज करा है और सर्च करेंगे। और टू एग्जामिनेशन सिटी में आपका वो एग्जामिनेशन सिटी आएगा जहाँ पे आप इन फ्यूचर अपने एग्जाम देने वाले हैं। तो जिस भी एग्जामिनेशन सिटी को आप चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। मतलब जहाँ पे आप करेंटली में या इन फ्यूचर आप अपने एग्जाम देंगे वो यहाँ पे टू एग्जामिनेशन सिटी पे आपको यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपके एग्जामिनेशन सिटी सक्सेसफुली चेंजेस हो जाएगा। सो गाइज, आई होप आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी जो स्टूडेंट क्वारीज करते हैं तो उनको सारी डिटेल्स मिल जाएगी स्टूडेंट कॉर्नर में अगर वो एक्सेस करते हैं। सो गाइज प्लीज़, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी करना ताकि ड्यूरिंग COVID-19 की सिचुएशन में उनकी काफ़ी हेल्प हो सके। अगर वो उनका एग्जामिनेशन सिटी अगर काफ़ी दूर है तो उनको हेल्प मिल सके, वो अपने एग्जामिनेशन सिटी चेंजेस कर सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो गोना हेल्पफुल फॉर यू, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट फॉर मोर रेगुलर अपडेट। फर्स्टली स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीपिंग दैट स्माइल इन योर फेस। थैंक यू।